बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का न्यूमेरिकल हमारा बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि अगर किसी बॉडी का वेट दिया गया हो तो उसकी मास कैसे निकालनी है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, बट इज़ इट्स मास। तो वेट किसके बराबर होता है? एम जी, ये गिवन है। एम जी इज इक्वल टू 147 न्यूटन। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करनी है मास। तो अब इसमें कोई फार्मूले की तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर जी की वैल्यू यहाँ लगा दी जाए तो मास निकलेगी। तो जी जो है वो क्या होता है? 10 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अगर हम वहाँ पर लगा देते हैं इसकी वैल्यू एम, और जी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और ये बराबर किसके है? 147 न्यूटन के। ये मैंने यहाँ वैल्यू लगाई है, एम वैसे के वैसे रह गया, जी की वैल्यू लगा दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, 147 न्यूटन वैसे ही रह गया। तो चूंकि मास फाइंड करनी है तो आ जाएगा 147 न्यूटन ओवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ये 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा 14.7 न्यूटन ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा 14.7 न्यूटन की अपनी एक यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड मास हमारे पास आ गई 14.7 केजी। तो आज के न्यूमेरिकल में हमने मास, उस बॉडी की मास फाइंड की है जिसका वेट गिवन हो। थैंक यू।